जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स तो आज हम देखेंगे कि आपको आप जब लाइब्रेरी जाते जब हो जब आपकी नॉर्मली कैसे कन्वर्सेशन होगी मतलब ये एक व्यू है जिसमें दो होंगे स्टूडेंट होएगा और एक काउंटर क्लर्क यानी वहाँ पर जो होएगा वो काउंटर क्लर्क होगा जो लाइब्रेरी में बुकें इश्यू करता है बुक के वापस मतलब लेता है ना तो ये फोर्थ वीडियो है इसके पहले हम तीन अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पे तो हम स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट कहता है आई वॉन्ट टू रिटर्न दिस फोर बुक्स मतलब मैं इन चार बुकों को रिटर्न करना चाहता हूँ काउंटर क्लग बट टू ऑफ दिस विद यू ऑन मंडे यू आर लेट बाई थ्री डेज आई एम अफेड यू विल हैव टू पे द फाइन वो कितने की कि पर तुम तीन दिन लेट हो और मुझे ये कहना पड़ रहा है कि तुमको फाइन पे करना पड़ेगा तो स्टूडेंट कहता है ओ यस आई नो रेड But I was sick and have not been able to come to college this four days. You condone the delay under special circumstances, don't you? वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है लेकिन मैं बीमार था तो मैं कॉलेज नहीं आ सकता था इन चार दिनों में तो यू कंडन द डिले अंडर इस्पेशल सर्कम्स्टेंस यानी आपको कंडन यानी माफ़ी माफ़ कर देना चाहिए डिले यानी माफ़ कर देना चाहिए स्पेशल सर्कमस्टेंस में यानी कोई विशेष परिस्थिति हो कि मैं बीमार थी तो मैं नहीं आ पाई अब बीमार था तो नहीं आ पाया डोंट क्यू क्या आप नहीं करोगे एंड माय सीकनेस इज़ ए स्पेशल सर्क्यूम्सटेंस इज़ नॉट इट और मेरी जो बीमारी है वो सीकनेस है वो तो स्पेशल सर्कुम्स्टेंस भी उसको कह सकते हैं अपन और ये बड़ी बात ये है कि बीमार हो तो कैसे आऊँगी मैं तो इज़ नॉट इट क्या नहीं है तो काउंटर क्लर्क बोलता है यस इट इज़ हाँ है मैं मानता हूँ हाँ है बट यू शुड टॉक टू द लाइब्रेरियन लेकिन आपको लाइब्रेरियन से बात करनी चाहिए थी कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं आ पा रही हूँ माई ड्यूटी इज जस्ट टू चार्ज द फाइन इफ़ इट इज़ ड्यू अकॉर्डिंग टू द रूल्स मतलब मेरी ये ड्यूटी है कि मैं फ़ाइन चार्ज करूँ मतलब ये मेरी ड्यूटी है और इफ़ इट इज़ ड्यू अकॉर्डिंग टू द रूल्स और ये रूल्स के कारण भी है तो मुझे रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है तो स्टूडेंट कहते हैं वेरी वेल आई विल सी द लाइब्रेरियन मीन वाइल प्लीज़ इशू मी विद दस टू बुस ओ वैट अ मिनिट आई वॉन्ट अनादर बुक टू लेट मी गो टू द रैक्स एंड फाइंड आउट देन वन अल्सो वो कहती ठीक है मैं लाइब्रेरन से मिल लूँगी लेकिन मतलब प्लीज़ इशू मी विद दस टू बुक्स मतलब मुझे ये जो दो बुक्स हैं वो इशू कर दो ओ वैट अ मिनट वो कहती हाँ एक मिनट रुको आई वॉन्ट अनदर बुक टू मुझे दूसरी एक और बुक भी चाहिए लेट मी गो टू द रेक्स एंड फाइंड आउट डेट वन आल्सो मुझे रेक्स में देखने दो और एक और बुक ढूंढने दो ठीक है एंड लैंड यू ऑल द थ्री टुगेदर हाँ मैं वेट करता हूँ तुम ले आओ वहाँ से और मैं फिर तुमको तीनों साथ में दे दूंगा फिर स्टूडेंट बोलता है बाद में ला के लेटर यानी बाद में हियर इज द बुक आई वॉन्टेड मतलब ये वाली बुक है जो मैं चाहता हूँ नो प्लीज़ इशू देम अब प्लीज़ इस बुक को भी इशू कर दो तो आगे काउंटर क्लिक बोलता है बोलता है कि वुड यू साइन हियर प्लीज एंड हियर आल्सो मतलब क्या आप यहाँ पर साइन करोगे और यहाँ पर भी इस्टो बोलता है ओ आई वांट टू पॉइंट आउट समथिंग मैं कुछ पॉइंट करना चाहता हूँ इन दिस बुक वन पेज इज मिसिंग इट्स पेज 231 यू कैन हैव अ लुक मतलब कि मैं कुछ पॉइंट करना चाहता हूँ कि इस बुक में एक पेज मिसिंग है वो वाला पेज का नंबर है टू यू कैन हैव अ लुक क्या आप देखोगे मतलब आप देख लो इसमें 231 पेज मिसिंग है तो काउंटर क्लर्क बोलता है हैं सम्भड स्टॉन ईट अवे किसी ने इसको फाड़ दिया हाउ कैरल मतलब कितने कठोर लोग हैं कितने बेकार लोग हैं तो बिल्कुल मतलब यूं भी नहीं लगता बेदर दे कि मतलब पेज को तो नहीं फाड़ना चाहिए ना आई मस्ट स्टैम्प पेज टू थर्टी टू इंडिकेट डेड पेज टू हंड्रेड थर्टी वन हैज बिन टोर्न आउट मैं टू थर्टी पे एक स्टैंप लगा देता हूँ कि टू हंड्रेड थर्टी वन जो पेज है वो फाड़ दिया गया है टर्न आउट टी ओ आर एन यानी फाड़ना तो स्टूडेंट बोलता है इट इज़ नेसेसरी क्या यह जरूरी है मतलब कि टू थर्टी पे स्टैप लगाना जरूरी है कि टू हंड्रेड थर्टी वन टर्न आउट यानी फाड़ दिया गया है तो काउंटर के लोग बोलते यस वेरी नेसेसरी हाँ बहुत जरूरी है अदरवाइज दिस मे बी ब्लेमड ऑन यू और द नेक्स्ट बोरोवर आफ्टर यू यानी अगर नहीं करेंगे तो आप या तो आप पर ब्लेम आ जाएगा इस चीज़ का आपको फाइन करना पड़ेगा और या तो नेक्स्ट बोरोवर आफ्टर यानी आपके बाद जो भी इस बुक को लेता है उस पर यह ब्लेम आ जाएगा कि उसने फाड़ा है तो ये बहुत जरूरी है तो स्टूडेंट बोलता है थैंक्स वेरी मच मतलब आपने इतना मतलब मुझे कॉपरेट किया उसके लिए थैंक्स कॉन्ट्रेक्ट लोग बोलते हैं दैट्स ऑल राइट हाँ ठीक है तो ये था कन्वर्सेशन आप इसको उतार लेना कॉपी में और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना